Hello student, so today we do the questions of HOTS, ठीक है? तो lesson 9 के HOTS के जो questions है उनको हम देख रहे हैं। इसमें हमारा question number 1 है। सबसे पहले मैं diagram बना लेता हूँ, बाद में given to prove वाला part लिख लूंगा। हमारे पास एक parallelogram दिया हुआ, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओ पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन है जो कि एबी और सीडी को एक्स और वाई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, ठीक है। अब मैं नेमिंग कर रहा हूं, ए बी सी डी ओ एक्स वाई, ठीक है। तो अब मैं गिवन टू प्रूव वाला पूरा पार्ट लिख रहा हूं। हमारे पास है गिवन, पहली चीज है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो ये तो इसमें ऑब्वियस है, डायग्राम में दिख रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रूव एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई डी इक्वल टू हाफ इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, ठीक है, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ पार्ट में। इन ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल सी ओ वाई, ए ओ इक्वल टू सी ओ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो एओ सीओ के इक्वल है, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो क्या बन गया, देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एक्स इक्वल टू, सॉरी, देयरफोर ट्रायंगल ए ओ एक्स कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ वाई बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए ए से कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया भी हमारा सेम हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COY, हो गया, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया तो अब हम क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है। हमने प्रूव करना है AXYD का एरिया, ठीक है, हमने प्रूव करना है AXYD का एरिया। अब देखते हैं, यहां डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ये हमारा थ्योरम था। तो मतलब क्या बनेगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। ये हो गया हमारा, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर वन। चलिए इसको लिया इक्वेशन नंबर वन, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एक्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ वाई। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनको मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ए ओ एक्स किसके इक्वल है, सी ओ वाई के इक्वल है। ए ओ एक्स जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो सी ओ वाई के इक्वल है। तो दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन। मैंने ए ओ एक्स को सी ओ वाई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब सी ओ वाई और डी ओ वाई, सी ओ वाई और डी ओ वाई क्या बनेगा, सी ओ डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओ डी। ठीक है, एओडी सीओ डी, ये पूरा मिलके क्या बना, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी क्या है, ए सी डी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये हमारा प्रूफ। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना जरा। ए ओ एक्स, ए ओ एक्स और सी ओ वाई, ए ओ एक्स और सी ओ वाई, इन दोनों का एरिया हमारा सेम हो गया। ए ओ एक्स सी ओ वाई दोनों का एरिया हमारा सेम हो गया। उसके बाद AOX प्लस AOD प्लस DOY, इन तीनों का सम बनेगा AXYD। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, AOD प्लस DOY, AOX किसके इक्वल हो गया, COY के, और COY और DOY, COY और DOY दोनों मिलके बन जाएगा COD, बन गया। और AOD प्लस COD ये मिलके हमारा बन जाएगा ACD। ACD is nothing, this is the half of area of parallelogram ABCD. Therefore, area of quadrilateral AXYD equal to half of area of parallelogram ABC. ये हमारा first question हमारा complete हो। अब हम आते हैं second question. Question number 2. इसमें हमने prove करना है, prove that all parallelogram of which sides are given the parallelogram which is rectangle has the greatest area, has the greatest area. पहले मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं,
ए बी सी डी, इसकी लेंथ है और ये इसका ब्रेथ, ठीक है। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं एक पैरेललोग्राम बना, P, Q, R, S. PQ की लेंथ L है और PS की लेंथ इसकी B है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए बेस इनटू हाइट हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी ले लिया, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हाइट ST is less than SP, height ST is less than SP equal to B, okay? Area of parallelogram PQRS kya banega? Base into height बेस का मतलब L, हाइट का मतलब ST, ठीक है। बेस का मतलब L, हाइट का मतलब ST. ST जो है वो B से छोटा है, तो दिस इज लेस देन L इनटू B, हो गया। दिस इज लेस देन L इनटू B मतलब दिस इज लेस देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC. आई बात समझ में? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ और पैरेललोग्राम का एरिया हाइट बेस इनटू हाइट होता है, जो हाइट जो होगा वो ब्रेथ से छोटा हो जाएगा, बेस तक तो एल रहेगा लेकिन हाइट के लिए यहां पर एसटी जो होगा वो बी से छोटा हो जाएगा, तो सिंस एसटी लेस देन बी तो एल इनटू एसटी लेस देन एल इनटू बी, तो विच इज लेस देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना ले रहे हैं। नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, ठीक है।
हमारे पास जो गिवन है वो हम पहले लिख रहे हैं, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी सी इक्वल टू सी ई, अब नेक्स्ट दिया है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी एफ बी ये वाला, अगर ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है देन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। डी एफ बी का एरिया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां पे हमको क्या करना है, हमने निकालना है ए बी सी डी का एरिया, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई सी एफ पैरेलल टू ए बी and C is midpoint of, C is midpoint of BE, तो by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem F will be midpoint of, F will be midpoint of A, F will be midpoint of AE, यहां तक तो हो गया, F क्या हो गया ए का मिड पॉइंट हो गया, ऑल्सो सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो एफ क्या हो गया, सी डी का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं जरा, इन ट्रायंगल बी सी डी बी एफ इज द मीडियन, हो गया बी सी डी बी एफ इज द मीडियन, क्यों, क्योंकि F मिड पॉइंट है DC का, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हो गया बन गया। अब BCD क्या है, BCD उसमें BD क्या है डायगोनल, तो BCD का जो एरिया होगा ABCD का हाफ होगा, this equal to 1/2 into 1/2 area of parallelogram ABCD, हो गया। BDF का एरिया हमारा दिया हुआ था 3/1/4 area of parallelogram ABCD, therefore area of parallelogram
एबीसीडी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं जरा हम, यहां क्या क्या दिया होता, सी मिड पॉइंट था और सी एफ ए बी के पैरेलल है, तो एफ क्या हो जाएगा, ए का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है उसके हिसाब से सी एफ ए बी का हाफ भी होगा, तो अगर सी एफ ए बी का हाफ है मतलब सी एफ सी डी का भी हाफ हो गया, मतलब एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब ट्रायंगल बीसीडी में बीएफ क्या बन गया, मीडियन, तो बीडीएफ का एरिया जो होगा बीसीडी के एरिया का हाफ हो गया, और बीसीडी का एरिया क्या है, एबीसीडी का हाफ है, तो मतलब बीडीएफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बना लेते हैं, बाद में गिवन वगैरह लिखेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि इक्विलेटरल है, एंड उसका मिड पॉइंट है डी। ठीक है, नेमिंग कर ले रहे हैं, ए बी सी डी ई। ए से ई को ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम लिख रहे हैं। गिवन हमारे पास है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीई। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीई आर इक्विलेटरल, सेकेंड नंबर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो मतलब बीडी इक्वल टू डीसी। टू प्रूव, इसमें थोड़े बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, फर्स्ट नंबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएई। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। फोर्थ है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बी डी ई से। ठीक है, बी डी ई का एरिया और ए बी सी का एरिया, इन दोनों के बीच का हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, बी डी ई और बी ए ई, पहला जो दो क्वेश्चन है वही है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर, स्पेस कम है इसलिए इसे मुझे मिटाना भी होगा।
फर्स्ट वाले को कर बी डी ई, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया क्या बनेगा, ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रूट थ्री बाय फोर इंटू बी सी का स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ये बनेगा रूट थ्री बाय फोर इंटू बी डी का स्क्वायर। बी डी क्या है, बी सी बाय टू, रूट थ्री बाय फोर इंटू बी सी बाय टू का स्क्वायर, ठीक है, रूट थ्री बाय फोर इंटू बी सी बाय टू का स्क्वायर। तो क्या बना, रूट थ्री, देखो रूट थ्री बाय फोर बी सी स्क्वायर, ये क्या बन गया, ए बी सी बना। तो हमारे पास हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू वन अपॉन फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। From equation one, ये हमारा first part, ठीक है। अब आते हैं हम second part, ठीक है। तो ये हमारा first part हो गया, area of triangle BDE equal to 1/4 area of triangle ABC, ठीक है। अब हम आते हैं इसके second part। अब इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास था, प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई, ठीक है। मतलब बी डी ई का एरिया बी ए ई के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ए से डी को ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया। ये वाला एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 होगा, इक्विलेटरल है, और ये एंगल भी हमारा 60 होगा, ठीक है। देखो अब अगर इसको हम देख रहे हैं तो यहां पे देखो ये 60 है, ये भी 60 है, और इधर ये वाला भी 60 है, तो टोटल कितना हो गया 120 प्लस 60। तो मतलब अब देखो सेकंड का प्रूफ हम कर रहे हैं, एंगल ए बी ई इक्वल टू 60 प्लस 60, ए बी ई जो है वो 60 प्लस 60 मतलब 120 हो गया। एंगल ए ई डी ये भी बन गया 60, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई डी ये हो गया 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 हो गया। मतलब इट इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू डी ई, बन गया। ये दोनों क्या हो गए,
पैरेलल हो गए। अब अगर ये दोनों हमारे अगर पैरेलल हो रहे हैं, ये दोनों अगर पैरेलल हो रहे हैं तो मतलब बी डी ई का एरिया और ए डी ई का एरिया दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ए डी ई का एरिया भी हमारा सेम हो जाएगा, या फिर हम ये कर सकते हैं ए बी ई का एरिया, ए बी डी चाहिए अपने को, कौन सा चाहिए, बी डी ई, बी डी ई चाहिए, ठीक है। बी डी ई का एरिया किसके इक्वल होगा, ए डी ई के। बी डी ई का एरिया इक्वल होगा ए डी ई के, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं यहां पे ले रहा हूं पी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने यहां पे अज्यूम किया पी, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, ए पी ई और ए पी डी, इन दोनों का एरिया हमारा सेम हो जाएगा। ए बी पी ई और ए पी डी, इन दोनों का एरिया हमारा सेम हो जाएगा। अपने को लाना है बी ए ई, बी ए ई मतलब बी पी डी, बी ए ई मतलब ए बी पी प्लस बी पी ई, अगर हम कर ले तो हो जाएगा।